एक हाथ पे ये मेहंदी लग, हाँ दिख गया, चढ़ाया था ना सेम उसी लोट, पानी दो पानी दो, पता नहीं घर पे क्या सनी की दशा चल। मेरे पास कमेंट आया था ब्लॉग लाल होना चाहिए, लाल आद करने में भी बहुत। हेलो हाय वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 3 बजे से। ये मेकअप वीडियो शूट किया था, इसी को रिमूव कर रही हूँ एंड मुझे लगा कि बहुत कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है तो एक ब्लॉग तो बनता है, साथ ही शूट कर देती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले तो स्टूडियो रूम का अपडेट दे देती हूँ, मेकअप रिमूव होता रहेगा साथ साथ में। ये वॉलपेपर मैंने कहा था ना कि ये लगाऊंगी, सो ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था ना वाइट वाला, तो और वाइट के साथ में मैंने ये लगाया था, मतलब इसके अंदर वाइट का कॉन्ट्रास्ट भी है इसके साथ में जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम ये वाली वॉल है ना बहुत ही फिक्की फिक्की सी थी, सो ये हल्की डार्क है थोड़ा सा, तो कैसा लगा है? मतलब है तो ब्लैक में बट मुझे डार्क कलर चाहिए था, बट कलरफुल नहीं चाहिए था। कलरफुल में क्या होता है कि जो आउटफिट पहना है ना वो वीडियो में अच्छा नहीं आता है फिर, तो इसीलिए मेरे को ये था कि ब्लैक एंड वाइट परफेक्ट जाएगा। कैसा लग रहा है आप बताओ? मैंने कहा था ना जैसे जैसे मैं कुछ कुछ करती जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सफाई का सीज़न चल रहा है, ये वाले रूम की ऑलमोस्ट सारी सफाई हो गई है, बस मेरे को कुछ कुछ सामान सेट करना है। इसके साथ बहुत कुछ और भी चल रहा है, बताऊँगी मैं बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, पता नहीं ये वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि उसके लिए मेरे को सेपरेट अलग से ब्लॉग शूट होगा कि जो भी होगा, बट चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है इसीलिए कंटेंट भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। डुग्गू बुग्गू दोनों सो रहे हैं, दोनों क्या सो रहे हैं, सब कोई सो ही रहा है, रात के 3 बजे तो पूरी दुनिया सोई रही होगी। बस मेरा ये रिमूव कर दूँ फिर मैं भी सो जाऊँगी। आज सुबह से इतना ज़्यादा काम था ना, स्टोर रूम क्लीन किया था और जिस दिन स्टोर रूम क्लीन होता है आपको पता ही है कि कितना कचरा निकलता है, तो बस उसी में लगे हुए थे। फिर खाना वाना बनाया, सबको खिलाया, फिर ये वाला वीडियो शूट किया क्योंकि कल मंडे है तो मंडे को हर हालत पे वीडियो जानी चाहिए। एंड ये रूम का हाल दिखा देती हूँ। अपना सारा सामान रखा हुआ था और ये पूरा बिखरा हुआ है, तो अभी रात को तो मैं नहीं उठाऊँगी। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा ना कि किस लेवल की थकी हुई हूँ। ये दुपट्टा इसी का था, मैंने निकाला था, इसका कुछ वीडियो शूट करना था, फिर तैयारी भी कर ली, फिर पता नहीं क्या हुआ शॉर्ट वीडियो था एक, फिर मैंने नहीं किया, छोड़ दिया, मतलब हो ही नहीं पा रहा था मुझसे, मैंने कहा नहीं छोड़ दो। ओके तो अभी देखो आप अच्छे से, ये वाली दीवार पूरी अलग लग रही है, वो वाली दीवार पूरी अलग लग रही है, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था, बट वाइट का हिंट इसमें भी है, वाइट इसमें भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि पास पास दो दीवारें एकदम से ऐसे लगे कि गंगा जमुना एक साथ मिल गई है, ऐसा भी नहीं लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब अच्छी लग रही है ना। ये थोड़ा सा मॉडर्न पैटर्न है जो ये लीव्स वाला, पत्तियों वाला बेस कलर और जो वाइट का कॉम्बिनेशन आ रहा है बहुत ही एस्थेटिक एंड थोड़ा सा वाइब जो है वो मॉडर्न टच की लग रही है, एंड ये वाली नहीं लग रही ट्रेडिशनल जो छापा होता है बिल्कुल वैसा वैसा था, तो मुझे वो दोनों चाहिए था। एंड वाइट पूरे रूम में कॉमन कलर रहेगा, वैसे रूम छोटा नहीं लगता है एंड काफ़ी प्यारा भी लगता है। अभी धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें हमें ऐड करनी है, ऐसा नहीं है यहीं पर हम रुक जाएंगे, चलेगा जैसे पहले ये वो हुई फिर अभी ये हुई है, सामने वाली भी हो गई है, दिखा दूँ क्या, कल दिखाऊँगी आराम। हेलो जी, सो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 2 दिन के बाद में, मतलब परसों रात को मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, फिर सेकेंड डे 12 से 1 बजे तक मैंने एडिट किया और 12 बज गए थे मतलब एडिट होने में, क्योंकि सुबह सुबह 10 बजे तक तो डुग्गू स्कूल जाता है उसी में बिजी रहती हूँ, फिर 2 घंटे में बैठ के फटाफट उसको एडिट किया एंड फिर जब उसको लगाया तो वो अपलोड होने में 1 घंटा लग गया, तो ऐसे करके वो पूरा दिन निकल गया। उसके बाद जो थकान थी पूरी रात की जगने की वजह से, घर के काम की वजह से, तो कल पूरे दिन में मैंने बिल्कुल मोबाइल हाथ ही नहीं लगाया था एक्चुअल में। आज मैं आप लोगों से, अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ रात के 10-11 बजे। एक हाथ पे ये मेहंदी लग चुकी है, बच्चे सो गए हैं एंड अभी दूसरे हाथ पे लगाऊंगी, फिर कल है मेन डे करवा चौथ वाला दिन, तो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या ये मेहंदी रंग लाती है एंड कैसा कल का दिन जाता है। बहुत ही नॉर्मल जाएगा क्योंकि कहीं बाहर तो आना जाना है नहीं, मुझे घर पे ही रहना है, बट स्टिल एक होता है ना कि फेस्टिवल है एंड करवा चौथ को लेकर तो मैं वैसे बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, तो कैसा दिन जाता मुझे खुद भी नहीं पता, कहीं कुछ मैंने कुछ खास प्लान नहीं किया है, बट प्लान आगे बहुत ज़्यादा है, मतलब दिवाली तक आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ब्लॉग आपको डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी, कुछ बहुत बड़ा अलग है, आप लोग खुद रेडी नहीं हूँ मेंटली वो चीज़ के लिए। सो अभी 50-50-50 चल रहा था, अभी फाइनली ठीक है 50-70% हो गया कि ठीक है मैं प्रिपेयर हो गई मेंटली कि ठीक है मैं कर लूँगी ऐसे करके, तो कुछ मैं करने वाली हूँ, कुछ ऐसा होने वाला है, जो भी होगा वो आगे किसी ब्लॉग में पता चलेगा, बट
उल्टे हाथ से मेहंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं कुछ बता रही थी तभी मोबाइल बंद हो गया और चार्ज लगा करके मैं इस हाथ पे मेहंदी लगाने को बैठ गई। इस हाथ से इस हाथ पे मेहंदी लगाना एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है। देखो कैसी लग रही है ये वाली, तो फिर भी अच्छी लग गई, मतलब ठीक ठाक लगी। प्रोफेशनल मेरे को नहीं लगानी आती। जज मत करना कि अरे कैसी लगा रही हो, ही हु, बिल्कुल मत करना। लगा रही हूँ मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ी बात है कि मैं उल्टे सीधे दोनों हाथों से लगा लेती हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल, मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, मैं बोलती ना मेहंदी नहीं लगानी आती तो ऐसे बोलती थी लाल हाथ होना चाहिए, लाल हाथ कर लो और क्या चाहिए। तो फिर वही समझ लो कि मैं लाल हाथ कर रही हूँ मेरे, एंड बहुत सुंदर तरीके से लाल हाथ कर रही हूँ मैं, दोनों हाथों से लगा लेती हूँ। पति देव तो मेरे अभी यहाँ पे है नहीं, उनको छुट्टी नहीं है अभी, इस दिवाली की भी छुट्टी नहीं है उनकी, तो वो ना दिवाली पे घर आ रहे हैं ना ही अभी करवा चौथ पे आ रहे हैं। सो करवा चौथ तो अभी इस बार वीडियो कॉल पे ही बनाएंगे हम लोग। सो कोई बात नहीं, जैसे बोलते हैं ना जैसे सिचुएशन होती है वैसे ही काम होने चाहिए। बट ठीक है, होते तो और अच्छा होता, बेस्ट तरीके से करवा चौथ जाता, बट अब जब छुट्टी नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करवा चौथ पे साथ होंगे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी। ये है सेम डे का ब्लॉग। आज के दिन एक्चुअली डुगू की तबीयत ख़राब हो गई थी और सुबह उठने के साथ ही डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा, मेडिसिन दी। ये मैं सेकेंड टाइम जब मेडिसिन दी ना तब तक ये कुछ कुछ ठीक हो गया था, तब मैंने हल्का सा सूट किया था, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। क्या कर रहा है ये, इधर दिखा, देखो ये क्या बन के जा रहा है तू, क्या बन रहा है ये मम्मा के कपड़े लेके कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो त्या? त्या? So, अभी डुगू की तबीयत मच बेटर, काफ़ी हद तक ठीक है। मेडिसिन जो दी है वो काफ़ी असरदार है, तो मैं फ्री हूँ उसके साइड से। एंड मेरे को थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग गई है और मैंने कथा भी सुन ली है, जैसे तिलक दिख रहा होगा आपको कि मैंने कहानी भी सुन ली है। मैं पानी नहीं पीती हूँ आज के दिन और मुझे तैयार होना है, बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहनने हैं। मैं सुबह से कुछ भी नहीं किया पता है, ना मेरे कपड़े निकाले, ना मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली, ना फोटो शूट किया, ना कुछ मेकअप वेकअप किया, क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और एक ये भी तो होता है ना कि अकेले अकेले तुम क्या क्या करोगे, होता है थोड़ा सा फील होता है। कि अब गुगू को मैं खाना खिला देती हूँ, उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है। हाँ रियलिस्टिक अगर थिंक आप पूछो ना कि एकदम रियल वाला दिखाओ, होनेस्ट वाला, तो सीरियसली शादी के 10 सालों के बाद करवा चौथ मेरा इतना सिंपल जा रहा है, वो भी सिंगल हैंडेड अगर आप हैंडल कर रहे हो, आपके हस्बैंड भी फिलहाल आपके साथ नहीं है तो वो ठीक है। तो मेरे को बहुत कुछ सही लग रहा है, अब मैं आगे के सारे काम कर सकती हूँ। मुझे तैयार होना है, फोटो शूट करना है, एंड रात के खाने पीने की तैयारी करना है, चूरमे की 2 लड्डू पिंडियाँ जो भी आपके यहाँ बनती है, हमारे यहाँ बनती है, वो बनानी है। ये है गुगू की खिचड़ी, इसके अंदर मूंग दाल, बाजरा, गेहूँ, क्या नहीं है, मतलब सब कुछ है, 5-6 अनाज डाले हुए इसके अंदर। तो इसकी मैं 2 चम्मच डालती हूँ, कोई भी सैडलेक वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट ये सिंपल सी खिचड़ी दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म के अंदर की, बस इतना ही, बहुत ही सिंपल सा ही खाना उसको खिलाती हूँ मैं। मेरी मेहंदी मैंने आप लोगों को पता नहीं दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी, ये मेरी मेहंदी है, काफ़ी अच्छा कलर इसका आया है एंड बहुत ही सुंदर लग रही है। दोनों हाथों की मैंने ना पीछे एक जैसी लगाने की कोशिश की है। सो मैंने ये ड्रेस निकाली है पहनने के लिए, दिन में तो जस्ट ये वाली कॉटन की ड्रेस है ना, मैंने यही पहन के रखी थी, ये रेड कलर की थी और मेरा मन था कि करवा चौथ पे कुछ रेड पहनूं, फिर शाम को भी मेरा मन था कि कुछ रेड पहनूं, बट मेरे पास हेवी में रेड कलर, मतलब न्यू ड्रेस नहीं है, पुरानी है सारी की सारी, कि एकदम नया कपड़ा पहनूं आज के दिन, तो फिर मैंने ये निकाली है। इसमें अगर पास से देखोगे ना तो ये सीक्वेंस का काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है और इतना ज़्यादा हेवी भी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे की माँ हूँ तो मैं ज़्यादा हेवी पहन भी नहीं सकती हूँ, बच्चे के साथ में मुझे खुद प्रॉब्लम होती है एंड इतनी अच्छी तबीयत भी नहीं है अभी मेरी। मुझे ये ड्रेस बहुत सही लगी कि थोड़ा सा हेवी भी है और एकदम सिंपल भी है एट द सेम टाइम। ये ड्रेस मेरी नानी सा ने बनवा के, साथ में ना ये कॉटन की ओढ़नी है, दूर से दिखाती हूँ, चलो थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है, इस पर इस तरह ये पीको का काम और बहुत ही सिंपल प्लेन सी लहरिया की ओढ़नी है, बट कॉटन की ओढ़नी अगर ना ओढ़नी चाहूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा था दिन में जब मैं ओढ़ूंगी ना तो कॉटन की ओढ़नी के साथ ये ड्रेस पहन लूँगी, बट दिन में मैं पहन ही नहीं पाई, रात को पहन रही हूँ, तो ये सोच रही हूँ ये ओढ़नी इसके साथ मिक्स मैच कर लूँ, सही जाएगी ना ये वाली पिंक, पता नहीं मैं पहनूंगी ना तब मैं एक बार रेड ओढ़नी ओढ़ के देखूंगी कैसी जाती है इसके साथ में, फिर ये वाली पहन के देखूंगी। तो थोड़ा सा ये हेवी भी नहीं है, छोटे मोटे फंक्शन के लिए परफेक्ट है, ये देखो सीक्वेंस थोड़ा सा साइन भी कर रहे हैं। अच्छा अभी बात करते हैं बैंगल्स की, तो चूड़ियों के लिए ना मैंने
ये वाली चूड़ियाँ जब मैंने खरीदी थी, करवा चौथ के लिए ही खरीदी थी, पता नहीं क्यों कैमरे पे इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, मेरे को ऐसी चाहिए थी बहुत दिनों से। एंड ये जो छाप दिख रही है ना, ये कुछ जोधपुर में स्पेशल छाप बोली जाती है इसको। नॉर्मल कांच की चूड़ियाँ आपको ऐसी काफ़ी सारी मिल जाएगी, बट ये छाप वाली नहीं मिलती, ये राजपूती सूट के साथ अलग से पहनी जाती है। तो इसके साथ में ना वाइट पर्ल वाली एक एक बैंगल लगा के मेरा ये पहनने का मन था कि मैं रेड तो चूड़ा पहनूंगी। और जब मैंने इसको खरीदा था 3 महीने पहले खरीदा था शायद, तब मैंने सोचा था कि करवा चौथ पे पहनूंगी, तब से है पायल की। नॉर्मली मैं ट्राई करती हूँ कि नई पहनूँ बिछुड़ी और पायल, सो नई के अंदर मेरे पास जो ऑप्शन है ये तो पुरानी है, बट एक दो बार ये पहनी हुई है तो वैसे पुरानी में ही आ गई है ना। फर्स्ट मैंने पहन कर एक बार ट्राई किया था कि कैसी लगती है, बाकी ये मेरी नहीं पहनी हुई, एकदम सिंपल सी एंड ऐसी सिंपल सी मेरे को, अरे यार फोकस कर ले, कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा है, हाँ अभी कर रहा है। सो ये एकदम सिंपल सोबर सी है, ऐसी मेरे को अच्छी भी लगती है, मतलब इंडियन और वेस्टर्न दोनों पे बहुत अच्छा जाता है, राजपूती ड्रेस के साथ और नॉर्मल के साथ में भी अच्छा जाता है। तो ये मैं सोच रही हूँ पहन लूँ। इसके अलावा ये वाली भी नई है एकदम से, ये देखो, वो तो मैंने पहनकर ट्राई कर ली थी, बट ये मैंने पहनकर भी ट्राई सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, कुछ भी इसके अंदर है ना फन एलिमेंट नहीं है, तो इतनी ज़्यादा प्लेन तो आज नहीं पहनूंगी, ये पहन लेती हूँ। जो मैंने पहले पहनी हुई ना, वो अगर आप देखोगे तो ये मैंने पहले से पहन रखी है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब आपको हर कहीं मिल जाएगी और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है, पहनी हुई भी प्यारी लगती है। तो इसको मैं निकाल दूंगी, वैसे इसको 4-5 महीने हुए मेरे को पहने हुए, बट इसके दिन नई पायल पहनना चाहूँगी। हेलो जी, सो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, देखो कितनी सुंदर है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है ये वाली ड्रेस, इसमें एक एक सीक्वेंस लगा हुआ है, मैं पहले बता चुकी हूँगी वही बात मैं फिर से बता रही हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी सी है और बहुत सुंदर कलर है इसका, मुझे बहुत सुंदर लगती है ये। सो ड्रेस चेंज कर लिया, मेकअप कर लेती हूँ, सुबह से कुछ नहीं किया, मेकअप का मतलब ये नहीं है कि खूब सारा थोपूंगी, हल्का फुल्का कुछ कर लेती हूँ, मतलब सुबह उठी हूँ ना तब से लिटरली मैंने कुछ किया ही नहीं है। एंड आज तो करवा चौथ था, आज तो मेरा दिन है तो मेरा करना बनता है। अभी जस्ट मुंह धो के आई हूँ, थोड़ा सा कंसीलर लगा लेती हूँ एंड लिपस्टिक लगा लेती हूँ एंड अच्छे से बॉडी लोशन लगा लूँगी। मेहंदी कैसी लगी मेरी बताओ, मतलब ठीक है, अच्छी है ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ मेहंदी में, लेकिन इतना होना चाहिए खुद का काम खुद कर सको। प्राइमर की बजाय मुझे लग रहा है कि कंसीलर लगा लेती हूँ डायरेक्ट बस। और मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है, एक घूट पानी नहीं पिया है, मेरे होठ सूखे सूखे से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, नहीं लग रहे तो लगने चाहिए आपको मेरे होठ सूखे सूखे से। पता नहीं घर पे क्या शनि की दशा चल रही है 2 दिन से, कल तो बुग्गू ने क्या किया, मेडिसिन की बोतल जो होती है खांसी वाली थी शायद की जुखाम वाली थी, वो आधी रखी हुई थी, एक साथ पी गया। अब मैं तो घबरा गई, फिर फ़ोन किया, इनकी ड्यूटी हॉस्पिटल में थी तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी थे वहाँ पे, तो पूछ के बताया कि नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, पानी पिला दो वोमिट कर देगा, तो ठीक है। तो फिर इसको खिलाया पिलाया, पानी तो खैर इसने पिया ही नहीं, बुग्गू इतना छोटा है कैसे पानी पिएगा, वो अपनी मर्जी से पिएगा ना, मैं ज़बरदस्ती कैसे पिला सकती हूँ उसको पानी, बट ठीक है। वो दलिया वलिया खिलाया उसको, ज़्यादा खाने की वजह से उसको वोमिट हो गई, तब जाके रिलैक्स हुआ कि चलो ठीक है कुछ होगा नहीं। अब आज जो है रात को पूरी रात कल डुगू को जो बुखार हुई, सुबह डॉक्टर बुलाना पड़ा और सुबह से उसी में ही बिजी, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। इसीलिए रात को तो मैंने मेहंदी वेहंदी लगा ली थी थोड़ा थोड़ा करके, बट पूरा दिन जो था ना वो बहुत ही ऐसा गया। तो कभी कभी है ना अकेले बच्चे हैंडल करना एक्चुअल में डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, कभी कभी, नॉट डेली, कभी कभी लगता है कि सब कुछ अकेले अकेले करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे को आज पिंक ब्लश लगाना चाहिए था, गलत ब्लश लगा लिया मैंने, पता है ये थोड़ा सा रोज़ काइंड ऑफ सेड है, और जबकि मुझे, बट अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पता है पूरा दिन इतना ज़्यादा हैक्टिक वाला गया ना, अभी डुग्गू भी बाहर गया हुआ है और बुग्गू भी बाहर गया हुआ है, डुग्गू की तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है, तो मैं भी इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ ना, पूछो मत। बच्चा जब बीमार हो जाए ना कुछ नहीं दिखता फिर, मेरे साथ तो ऐसा होता है। और मस्कारे को ही मैं थोड़ा थोड़ा अपने आईब्रो की जगह लगा लूँगी, क्योंकि अभी फिर है ना मेकअप रिमूव भी करना पड़ता है, जब इधर बार बार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि सामान इधर रखा हुआ है, तो यहाँ से उठा के मेरे पास कमेंट आया था ब्लॉग के लिए, और मैंने वहाँ पे लिख दिया कि करवा चौथ का ब्लॉग आ जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं लिख दी ना तो फिर मैं आज कमेंट आज शूट नहीं करती, फिर मैं
अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि जब मैंने कमिटमेंट कर दी क्या होंगी, कितना अच्छा लग रहा है ये हाइलाइटर। अब जैसा भी दिन जाता है सूट करना चाहिए, ट्रस्ट मी आगे बहुत अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, ट्रस्ट मी। ये लास्ट है जो ऐसा फीका जा रहा है, एंड आई होप कि फीका नहीं है ये, मतलब रियल वाला है। कि ज्वेलरी में मैंने बिना सोचे समझे मैंने चूज किया है ये वाला, जो कि मैंने एक बार भी नहीं करा। वैसे तो एक और है वो भी मैं बालों पे लगा लूंगी, ये मैं गले में पहन लूंगी, चार सीट बहुत ही सुंदर लगेगा इसके साथ। क्या हुआ है इसको, ये मीशो की अब तक की बेस्ट ज्वेलरी, पता है प्राइस वाइज भी बहुत सही है और ऐसे भी सही लगे। क्या ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों लग रही है मेरे को, बस सही है। वो इयररिंग्स इसके साथ में आए हैं, 200 रुपये में इससे अच्छा कुछ मिलेगा नहीं। बालों को मैं सिंपली खुले ही रख लेती हूँ, बिंदी एंड सिंदूर दो चीज़ें बच गई हैं इसको। सो ये फटाफट क्यों काम आने वाली चीज़ है, तो चलो आज इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा समझ किया, वो आउटर कॉर्नर में इस तरह लगा लेंगे। बाहर रखी हुई थी, हाथ आ गई इसलिए कर लिया, छुप के बैठी होती तो नहीं कर पाती। आज ट्राई करती हूँ बड़ी बिंदी लगाने का। अच्छा लग रहा है, ये है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसी भी चूड़ी आती है बट ये कुछ खास होती है। इसका ना छाप का कुछ नाम तो है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, आप में से किसी को बताओ तो बताना मुझे। वाले कड़े हैं जो कि मेरी मम्मी लेके आई थी महाकाल से, बस ये मैं पहनने वाली हूँ, ये जो थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा खास है। महाकाल बाबा का भी आशीर्वाद है, मम्मी का भी आशीर्वाद है, एंड आज के दिन तो हमें चाहिए चाहिए आशीर्वाद। सो बस ये है मेरा फाइनल लुक, बताना मुझे कि कैसा लग रहा है। एंड रेड ओढ़नी मेरा पहनने का बड़ा मन था, तो फाइनली इसके साथ बहुत अच्छे से जा रही है। देखो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि मिक्स मैच नहीं हो रही है, सो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बाकी पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कैसे मैं चुटकियों में तैयार हुई हूँ फटाफट, क्योंकि सुबह तो जो था बट अभी अंत भला तो सब भला, और अच्छा लग रहा है। तैयार होकर भी बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि मैं अच्छे से तैयार हो पाई हूँ, एंड चूड़ी वूड़ी भी काफी अच्छा आ रहा है। आप लोग बताओ कि कैसा आ रहा है मुझे। हम तो तैयार है, आ जा नहीं आ जाए तो बहुत मजे नहीं हो सही मम्मा को, लेकिन सोएगा नहीं। साढ़े आठ हो गए हैं टाइम, एंड अभी तक चांद नहीं आया। वैसे 8:30 का ही टाइम था चांद निकलने का, बट 8:30 से 9 बजे के बीच में नॉर्मली निकलता है, तो मैं बाहर जाके 2-3 बार देखा ही हूँ। और बुगुस हो गया है सबसे बड़ी, आराम से खाना खा पाऊँगी, आराम से पूजा कर पाऊँगी, इवन आराम से आगे ब्लॉग भी कर पाऊँगी। और मैंने पूड़ी बना ली है मेरे लिए, और डुगू खाने गया था, बुगू के लिए एक पूड़ी बनानी थी, तो वो एक साथ ही मैंने सारी की सारी बना के रख दी है ताकि तामझाम ख़त्म हो जाए। जब खाना खाने बैठूँगी ना तब दिखाऊँगी कि क्या क्या बनाया और क्या खाने वाली हूँ, फिलहाल तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और मैं सुबह से सोचो मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, और मुझे इतनी ज़्यादा प्यास फील भी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। मतलब होता है ना कि ओ माय गॉड पानी दो वाला सीन नहीं हो रहा है मेरे साथ, मतलब नॉर्मल लग रहा है मुझे सब कुछ, ऐसे नहीं हो रहा कि बहुत ही ज़्यादा गला सूख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, बस ठीक है। अच्छा वीडियो कॉल वाला मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास जो एक्स्ट्रा मोबाइल है ना मैंने उसको काफ़ी देर से चार्ज लगा के रखा है, वो चार्ज ही नहीं हुआ है, तो वीडियो कॉल जो होगा वो इसी मोबाइल पर होगा। अभी जस्ट चांद निकल, चलिए अभी चलते हैं चांद को अर्घ देने के लिए। तो क्या क्या चाहिए इसके अंदर, ये पानी है जो कि सुबह कथा सुना था और जल चढ़ाया था ना, सेम उसी लोटे में मैंने पानी रखा है। ये वो चावल के दाने हैं जिनसे मैंने कथा सुनी थी, तो कुछ तो सूर्य भगवान को अर्घ दे दी थी दोपहर को, और ये कुछ बचा के रखे थे चावल के दाने, तो गुड़ और चावल के दाने इनसे हम देंगे। और ये चार चूरमे की पिंडियाँ ये चारों कोनों में फेंकी जाएगी, ये भी चांद को अर्घ लगेगी, ये पानी में पीने वाली हूँ। और ये है चीनी मिट्टी का करवा, तो बस थाली अपनी रेडी है, ठीक है टाइम आ गया। तो रुगु आया है मेरे साथ में, कुछ तो नहीं कुछ तो बोला। चांद जो रेड रेड सा दिख रहा है ना एकदम से, हाँ दिख गया आप, ये चांद है एकदम जो रेड दिख रहा है ना, ये मेरा हाथ है, और ये जो रेड दिख रहा है ये मेरा हाथ है, ये जो रेड दिख रहा है ये चांद है। तो चलो इसी को अर्घ देते हैं एंड फाइनल पूजा करते हैं, सुबह से शाम तक का व्रत खोलते हैं। जितनी भी सुहागनी देख रही है उन सबको मेरी तरफ से विशेस देना चाहूँगी करवा चौथ की, हैप्पी करवा चौथ, और आप लोगों का सुहाग बना रहे, इवन अनमेरिड है उनको अच्छे जीवन साथी मिले, एंड विश मांग लो तो आप लोग भी चांद को देखिए।
ये है मटर पनीर की सब्जी, ये है आलू और छोला की सब्जी, इधर है चूरमा, भोग लगाने के लिए खीर, जलेबी और ये है पूरी। सो ये है आज का खाना। इसके साथ ही में दाल भी है जो कि अंदर रखी हुई है, वो मैं लेके नहीं आई हूँ। सभी मैं खाना खा लेती हूँ, खाने की पूरी तैयारी मैंने कर ली है। और ऊपर जाने के बाद है ना, वीडियो तो शूट किया था डुगू ने, बट वो इतने अच्छे से हुआ नहीं है। मैंने अभी जस्ट नीचे आने के बाद चेक किया, पति देव से बात की जिनके लिए हमने फास्ट रखा है, वीडियो कॉल किया, पानी पिया है पेट भर के, तो पेट मेरा वैसे ही फूल गया है, पानी मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया है। और इतना सारा खाना आप देख रहे होंगे कि सारा एक साथ खाएगी, नहीं नहीं ये तो सब रखा हुआ था तो मैंने एक साथ रख लिया है। नीचे आने के बाद 3 ग्लास पी लिया है, बात करते करते पता ही नहीं चल रहा था, एंड गला मेरा फिर भी सूखा जा रहा था। तो बस ऐसा था आज का सिंपल सा ब्लॉग। आपका करवा चौथ कैसा गया एंड कैसा रहा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपके यहाँ पे भी ऐसे ही मनाते हैं क्या, कैसे मनाते हैं आपके यहाँ? बेसिकली सुबह पूजा होती है कि शाम की पूजा होती है, बताना मुझे। एंड मेरी तरह अकेले रह के कौन कौन करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहा है, वो भी मुझे ज़रूर बताना। फ़िलहाल मैं खाना खा लेती हूँ, रात के 10 बज रहे एंड रोज़ मेरे को ऐसे ही लेट हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट जो भी ब्लॉग आ रहा है ना, उसको प्लीज़ मिस मत करना, कमेंट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अगला ब्लॉग मैं लेके आऊँगी। सो मिलती हूँ नए वीडियो में।